बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी दुआ के साथ करती हूँ आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जी जुमातुल मुबारक है तो सारे कपड़े शपड़े धोए हैं आज हाथ के साथ। तो अभी ये हाथ मेरे ना सीधे नहीं हो रहे। मैंने कल शायद एक्सरसाइज करने से ना घर के काम करने से कुछ, वैसे तो डेली करती हूँ लेकिन भी ठीक हो जाए, लेकिन आज ये जो हाथ की ये गट्ठे वगैरह है ना इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती, सारे हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती। पता नहीं कोलेस्ट्रॉल है या यूरिक एसिड है, क्या मसला है कोई समझ मुझे नहीं आ रही। लेकिन सुबह जाना है मेडिसिन लेने के लिए मामा बिटिया की, तो अगर कोई डॉक्टर मिला तो चेकअप करवाऊंगी, वरना मामा के पापा का इंतज़ार करेंगे, फिर वो साथ होंगे तो फिर करवाएंगे। लेकिन तो मामा की मजबूरी है, दवाई लेकर नहीं जाना है क्योंकि उसको ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए क्योंकि बेटी है। तो बेटे हों या बेटियाँ, लेकिन जो बीमारी होती है उसका वक्त पर ही कंट्रोल हो जाए, ठीक हो जाए तो इंसान ठीक रहता, वरना ज़ुकाम उसका काफ़ी पहले ही पुराना हो चुका है। तो अभी शाम हो गई है लेकिन आज सालन कुछ पड़ा है टींडे और गोश्त का, तो वही बच्चों को देती हूँ खाने के लिए क्योंकि अब मेरी काम कर कर बस हो चुकी है। तो आटा भी गंदा हुआ पड़ा है, वही उनको रोटियाँ बना देती हूँ। लेकिन लगता है मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ, कल भी आंधी आई थी तो बारिश तो नहीं आई थी, बस दो चार कणियाँ ही आई थी। आज भी उसी तरह का मौसम बना हुआ है, तो अब मेरा दिल है कि आग ना जलाऊं इधर सिलेंडर पे ना, रोटियां तीन रोटियां बनानी है, चार वो बना लेती हूँ, सालन गर्म कर लेती हूँ तो बच्चों को देती हूँ। तो अभी किचन के बाहर खड़ी हूँ, चलती हूँ किचन में और बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, उनको पहले देख लूँ कि बाहर खेल रहे हैं या अंदर टी वी देख रहे हैं, उनको देखती हूँ उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। से आगे चीज़ें इधर पे रखी हैं, बस आते आते इतना ज़्यादा सर में दर्द शुरू हो जाए, साथ ही चाय मैंने शुरू कर दी है बनानी क्योंकि बच्चे भी मेरे दर्द से आने वाले होंगे। तो मैं जब एक इंसान घर में हो तो इतनी ज़्यादा स्पीड लगती है ना, तो अब सर में इतनी ज़्यादा दर्द है, साथ साथ जूस वाला बना रही हूँ। तो ये चीनी डाली हुई जमदानी मेरे हाथ में है, यही मैंने इसके अंदर खेलनी शुरू कर दी है। मुझे कोई कौवा वगैरह नहीं मिला, बस किधर रखा हुआ है वो पड़ा है सामने तो भी नज़र नहीं आया। तो मामा ने मदानी इसमें रख दी, मामा जी इसके सारी चीनी ना फेंट रहा अभी, फिर अभी लगता है बच्चे मेरे आ गए हैं, चाय भी बन गई है और उनको रोटी भी देती हूँ, साथ साथ जो भी खाना हो बच्चा ने खा लेंगे, जूस वाला भी तैयार है, चाय भी है। चाबी शराम किसने लेना है मेरा शेर ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबीर की तरह समीर, ये मामा ने आते ही खिलौने निकाल के रख लिए हैं अपने, बस समीर की तरह है अंदर पे। वालेकुम सलाम आ गया जी। जी अभी कबीर बेटे की पसंद है, जी कबीर को देती हूँ पहले, समीर और कबीर और मामा तीनों को। ये भी बच्चे खा रहे हैं जलेबियाँ, रोटी खा लेगी तुसी कि नहीं? जी मैं खा रही। चलो उन जलेबियाँ खा लो। चिमटा पे ना फॉलो बजान चिमट के साथ
उसके नी उस डबड़े के उसके डबड़े के बच्चे पानी को नहीं कितो मम्मा मैं पानी को नहीं कितो निरामी जी दूध गर्म का हो गया, सब्जी भी तैयार हो चुकी है मेरे। आज मैं बाजार से लेके आई थी कद्दू और सब्जी भी लेके आई हूँ, लेकिन अभी तैयार हो चुकी है। ये टमाटर मिर्ची काट लेती हूँ और जल्दी जल्दी फटाफट बनाना स्टार्ट करती हूँ। सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है तो टाइम कम ही रह गया है। तो अभी आज बाज़ार गई हुई थी, सारा इतना दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा। ये मक्खियाँ नहीं अब जान छोड़ रही हैं, ऊपर से कवर करती हूँ और अंदर से बर्तन लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए खाना तो लाजमी बनाना होगा। इंसान उठ सके चाहे ना उठ सके, बच्चे तो मासूम हैं, उनका क्या कसूर है। अल्लाह ने जो बीमारियाँ लगाई हैं वही अल्लाह ने खानी है। जो कर सकता है अल्लाह पाक ही कर सकता है, ठा भी सकता है लगा भी सकता है, जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ जी जी ने बाहर नहीं लेके जाना, बड़े भाई ने कही जाना बाहर प्लास नहीं लेके जाना। रमन निरामी जी दूध गर्म का हो गया, सब्जी भी तैयार हो चुकी है मेरे। आज मैं बाजार से लेके आई थी कद्दू और सब्जी भी लेके आई हूँ, लेकिन अभी तैयार हो चुकी है। ये टमाटर मिर्ची काट लेती हूँ और जल्दी जल्दी फटाफट बनाना स्टार्ट करती हूँ। सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है तो टाइम कम ही रह गया है। तो अभी आज बाज़ार गई हुई थी, सारा इतना दर्द कर रहा है, उठा नहीं जा रहा। ये मक्खियाँ नहीं अब जान छोड़ रही हैं, ऊपर से कवर करती हूँ और अंदर से बर्तन लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए खाना तो लाजमी बनाना होगा। इंसान उठ सके चाहे ना उठ सके, बच्चे तो मासूम हैं, उनका क्या कसूर है। अल्लाह ने जो बीमारियाँ लगाई हैं वही अल्लाह ने खानी है। जो कर सकता है अल्लाह पाक ही कर सकता है, ठा भी सकता है लगा भी सकता है, जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ जी जी ने बाहर नहीं लेके जाना, बड़े भाई ने कही जाना बाहर प्लास नहीं लेके जाना। रमन निरहीम जी पेस्ट मैंने बना लिया है, लहसुन लहसुन का आज प्याज बाद में डाले, घी भी और मेरे अलग घी में अच्छी तरह इनकी बनाई करती हूँ, साथ ही मसाले ऐड करती हूँ। क्योंकि आज लेके कद्दू मज़े जो यार था बनाना है, क्योंकि वो कहते कद्दू ठंडा होता है कद्दू का सारा, तो काफ़ी और कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए कद्दू लेके ही पता नहीं नरम होते भी हैं अभी या नहीं, तो पकाते तो सारे ही आज। अभी मैंने काटे बरीक बरीक ही हैं, चलो जी अभी देखते हैं क्या बनता है। तो अब मसाले मैंने अपने पास ये दो तीन रखे हुए हैं, ये डालती हूँ काफ़ी जल्दी जो मसाला भी जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो प्याज बने बने साबुत साबुत होंगे तो फिर बच्चे शौक से खा लेंगे। रमन निरहीम जी मसाले ऐड कर दिए, अभी इनको मिक्स करती हूँ, मसालों की भी अच्छी तरह बनाई करती हूँ। साथ में ये सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के रखा हुआ है, ये भी ऐड कर देती हूँ। अभी इनकी बनाई करती हूँ मसाले के साथ अच्छी तरह, या ख़त्म हो रही है जी ला लेती हूँ पहले। रमन निरहीम जी मसाले की बनाई भी अच्छी तरह होगी, अभी ऐड करना है मैंने कद्दू, कद्दू मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ है, अभी ऐड करती हूँ।
ये कैमरा मेरे हाथ में है। इसमें ले रहा मान रहा है कि कद्दू मैंने ऐड कर दिया। अब कद्दू की भी अच्छी तरह बनाई करती हूँ। ए मामा क्या कर रही हो? चलो हाथ मुंह पैर दो, अंदर आ जाओ, अब बाहर नहीं जाना। अब इधर आ जाओ। इधर किधर जा रही हो? अभी तक कद्दू की अच्छी तरह बनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सालन हमारा तैयार हो चुका है। अभी रोटियां बनाती हूँ तो बच्चों को देती हूँ आटा। मैंने हर चीज़ अपने पास रखी हुई है। ये सालन उतारती हूँ, रोटियां बनाती हूँ।